नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से। बड़ी खबर, सीएम धामी ने पद से दिया इस्तीफा। सीएम पद से दिया इस्तीफा, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उन्होंने अपना त्याग पत्र सौंपा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है, और अब मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर लगातार अटकलें तेज हो गई हैं। तो हमारे साथ सुरेंद्र रसीला हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। सुरेंद्र, आपके पास आऊंगा। पुष्कर सिंह धामी ने अब इस्तीफा दे दिया है, आगे कुछ क्या कुछ होने वाला है, किसके नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, बताइए। देखिए, ये क्योंकि संवैधानिक बाध्यता भी होती है, जब नई सरकार का परिणाम आ चुका है तो मुख्यमंत्री को अपने पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना होता है। मुख्यमंत्री पहले सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने कैबिनेट के साथियों के साथ एक अंतिम औपचारिक बैठक करी, जिसमें सरकार को भंग करने का प्रस्ताव होता है, और इसके साथ ही वो अधिकारियों से और मंत्रियों से मुलाकात करने के बाद राजभवन पहुंचे। 1:30 बजे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो राज्यपाल हैं उत्तराखंड के, उनसे मुलाकात की, उनको अपना इस्तीफा दिया। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया है और उनसे कहा है कि नई सरकार के गठन, यानी नई सरकार जब मंत्रिमंडल जब गोपाल और गोपीता की शपथ लेगी, तब तक आप अपने पद पर बने रहिए, कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य कीजिए, ये उनसे कहा गया है। और मुख्यमंत्री ने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी उसको निर्वहन उन्होंने करने की कोशिश की है, जनता के लिए जो हो सकता था वो तमाम चीजें की हैं, और प्रदेश की जनता ने जो उन भाजपा को दोबारा से सत्ता में पहुंचाया है, एक इतिहास बनाया है, उसके लिए वो सभी के आभारी हैं। अब ये है कि जो पर्यवेक्षक केंद्र की ओर से बनाए गए हैं, जिसमें पीयूष गोयल हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, ये देर शाम तक पहुंचेंगे, संभवतः कल ये विधायकों के साथ बैठक करेंगे और सब नए नए नेता का नाम अगले 1 से 2 दिन में तय हो जाएगा। बिल्कुल, ये तय हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें सुरेंद्र, लगातार सत्ता के गलियारों में और जनता के बीच बहुत सारे नामों को लेकर चर्चा हो रही है, अटकलें भी लगाई जा रही हैं। देखिए, बिल्कुल, बहुत सारे नामों को लेकर चर्चा है। अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे आगे जो नाम चल रहे हैं उनमें जो कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत हैं उनका नाम है, क्योंकि विधायक हैं, उनको अगर पार्टी बनाती है तो इस्तीफा देने की किसी को जरूरत नहीं होगी, विधायकों के बीच में से बनाया जा सकता है। सतपाल महाराज का नाम है, सतपाल महाराज अभी मुख्यमंत्री के साथ राजभवन भी पहुंचे थे, उनके साथ में वो कैबिनेट के सदस्य के तौर पे भी पहुंचे थे, और दूसरा आध्यात्मिक गुरु हैं, संघ में मजबूत पकड़ रखते हैं, मोहन भागवत के करीबी हैं, तो इसलिए सतपाल महाराज का भी नाम मुख्यमंत्री की रेस में आगे बताया जा रहा है। और इसके साथ ही अगर भाजपा आलाकमान ये चाहेगा कि किसी वरिष्ठ नेता को भेजना है, तो फिर ऐसे में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, उनको अनुभव बहुत ज्यादा है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, संगठन को जानते हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी जा सकती है, या फिर अजय भट्ट जो रक्षा राज्य मंत्री हैं उनको भी उत्तराखंड में ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो इसलिए भाजपा आलाकमान जिसके नाम को तय करेगा, सारे विधायकों की सहमति उस नाम के साथ हो जाएगी और अगले 1 से 2 दिन में ये साफ हो जाएगा। फिलहाल ये 4 नाम है जो रेस में सबसे आगे है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो पुष्कर सिंह धामी ने इस्तीफा दे दिया और लगातार कई नामों का जिक्र भी चल रहा है, और लगातार कई नामों का जिक्र लोग कर रहे हैं।